हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका उर्दू पीरियड है। इस पीरियड में आप सब उर्दू पढ़ेंगे और आज आपको उर्दू में सबक 5 पढ़ना है। सबक 5 का उन्वान है बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, सबक 5 का उन्वान क्या है? बुरे काम का बुरा नतीजा। ठीक है, जब इंसान बुरा काम करता है तो उसका नतीजा भी, उसका रिजल्ट भी बुरा ही होता है। तो आइए बच्चों, इस सबक को पढ़ने से पहले इसके मुश्किल अल्फाजों को हम लोग पढ़ते हैं, इसके माने को जानते हैं। घोंसला, घोंसला का माने होता है परिंदों का घर, जहां परिंदे रहते हैं, जिसमें परिंदे रहते हैं उसे हम घोंसला कहते हैं। सताना, सताना यानी परेशान करना। अंजाम, अंजाम का माने होता है नतीजा, नतीजा यानी रिजल्ट। वाकया, वाकया मतलब होता है माजरा। ठीक है ना, माजरा यानी हाल। नाहक, नाहक का माने होता है बेवजह। ठीक है ना, बिना वजह के उसे हम नाहक कहते हैं। तो आइए बच्चों, इस सबक को हम पढ़ते हैं। आप अपना बुक, अपनी किताब को खोलेंगे और पेज नंबर 17 सबक 5 को देखें। दो लड़के थे, एक का नाम आमिर था और दूसरे का नाम आसिम था। दोनों लड़कों में गहरी दोस्ती थी, यानी कि बहुत दोस्ती थी दोनों में। दोनों साथ ही साथ रहते और साथ ही साथ खेला करते थे, साथ ही स्कूल जाते थे। एक दिन की बात है, स्कूल में छुट्टी हो गई थी। दोनों साथी स्कूल से घर लौट रहे थे। गर्मी का मौसम था और उस दिन धूप भी बहुत तेज थी। गर्मी का मौसम था। एक पेड़ के नीचे दोनों साथी बैठ गए। एक दरख्त के नीचे दोनों साथी बैठ गए और आराम करने लगे। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे उसी पर कौओं का एक घोंसला था। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों साथी बैठे हुए थे, आमिर और आसिम, उसी पेड़ पे क्या था? एक कौवे का घोंसला था। इस घोंसले में एक कौवा बैठा काम काम कर रहा था। आमिर ने आसिम से कहा, यार इस घोंसले में तोता है, मैं इसे जरूर पकड़ूंगा। आसिम बोला, नहीं आमिर भाई, यह घोंसला तो कौवे का है, तोता कहाँ से होगा? क्योंकि घोंसले से कौवे की आवाज आ रही थी, काव काव की। देखो कौवा काव काव कर रहा है, वो बोल रहा है आसिम। देखो कौवा काव काव कर रहा है, क्या तुम परिंदों की आवाज को नहीं पहचानते? उसने कहा, क्या तुम परिंदों की आवाज को नहीं पहचानते? मेरे अब्बू जान ने कल ही मुझे कई परिंदों के नाम बताए थे, आप भी सुनिए कुछ परिंदों के नाम और बोलियां ये हैं। कौवे काव काव, कौवे की आवाज होती है काव काव। कोयल कैसे बोलती है? कू कू। तोता
तोता टेन टेन, कबूतर गुटुर गुर, ठीक है ना। तो घोंसले से कौवे की आवाज आ रही थी काऊ काऊ, और उससे उसका जो दोस्त था वो बोल रहा है कि नहीं ये कौवा नहीं है, ये तोता है, ये तोते की आवाज है, मैं तोते को घोंसले से पकड़ूंगा। और सुनो आमिर, किसी को बेवजह सताना, परेशान करना ठीक बात नहीं। किसी को नाहक बेवजह सताना या परेशान करना ये ठीक बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग भी समझते हैं ना, कभी भी हमको किसी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बुरे काम का बुरे नतीजा होता है। आसिम ने आमिर को बहुत समझाया, आसिम ने आमिर को बहुत समझाया, मगर आमिर नहीं माना, मगर आमिर नहीं माना, उसकी बात को नहीं सुना और पेड़ पर जा चढ़ा, उसकी बात नहीं माना और पेड़ पे जाके चढ़ गया। जैसे ही इस घोषणा में हाथ डाला, कौवा चिल्लाया, क्योंकि उस घोंसले में तो कौवा था, ठीक है, वो जानता था कि कौवा था लेकिन वो बदमाशी कर रहा था, ठीक है ना। जैसे ही उसने घोंसले में हाथ डाला तो कौवा चिल्लाया, काऊ काऊ, कौवा बोला काऊ काऊ। उसकी आवाज सुनकर और भी बहुत सारे कौवे आ गए। जब कौवा काऊ काऊ चिल्लाना शुरू किया तो उसकी आवाज सुन के बहुत सारे कौवे आकर इकट्ठे हो गए। क्या बात है, क्यों कौवा चिल्ला रहा है, कोई उसे मार रहा है, कोई उसे सता रहा है, ठीक है। आप देखे होंगे एक कौवा अगर चिल्लाता है काऊ काऊ तो सुन के बहुत सारे कौवे, उसकी आवाज सुन के बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। उसकी आवाज सुनकर और भी बहुत सारे कौवे आ गए और आमिर को नोचना शुरू कर दिया। बहुत सारे कौवे आकर आमिर को नोचना शुरू कर दिया, वो समझ गए कि ये कौवे को परेशान कर रहा है। आमिर नीचे गिर गया, आसिम उसको उठाकर लाया और घर आकर सारा वाक्या बयान किया, यानी कि सारा हाल सारा बाजरा बयान किया, ठीक है, क्योंकि आसिम ने उसको बहुत समझाया कि तुम घोंसले में हाथ मत डालो, ये कौवे की आवाज है, ये तोते की आवाज नहीं है। उसे बताया कि सब जानवरों की आवाज, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और जानबूझकर घोंसले में हाथ डाला। यह बात सुनकर आमिर के अब्बू ने उसे बहुत डांटा और समझाया, किसी को नाहक मत सताया कीजिए, ठीक है, किसी को नाहक मत सताया कीजिए, बेवजह मत सताया कीजिए, मत परेशान कीजिए, बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है, ठीक है। आप अच्छे काम कीजिएगा उसका अंजाम अच्छा होगा, बुरे काम कीजिएगा तो आपका अंजाम क्या होगा, वो बुरा होगा। तब तो आमिर अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हुआ। जब उसके अबू उसको समझाएं, उसको डांटे, तब आमिर को बात समझ में आई और उसको अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ, बहुत अफसोस हुआ और बोला कि वह आइंदा ऐसा नहीं करेगा, यानी कि वो अब आगे ऐसा नहीं करेगा। बच्चों, हमें भी बुरे काम से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है, बच्चों हमें भी बुरे काम से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया ना कहानी में कि बुरे काम का जो नतीजा है वो बुरा होता है। उसने कौवे के घोंसले में हाथ डालने गया, कौवा काऊ काऊ बोला, उसकी आवाज सुनकर सारे कौवे उड़ के आ गए और आमिर को नोचना शुरू कर दिया। तो उसने बुरा काम किया तो उसका
नतीजा भी उसको बुरा मिला। कोई अगर अच्छा काम करता है ठीक है तो उसका काम अच्छा होता है, उसका नतीजा जो है वो अच्छा होता है। इस तरह से बच्चों आप लोग सबक 5 बुरे काम का बुरा नतीजा को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके मुश्किल अल्फाजों को आप पढ़ना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे और इसके माने को ज़बानी याद करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो बच्चों इसके मश्क को इसके सवाल जवाब को हम लोग पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपका उर्दू क्लास ओवर हो चुका। बाय एंड हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज़।